हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, मैंने लव स्टोरी टेलर चैनल पे ऑलरेडी फोर्स्ड अरेंज मैरिज के दो पार्ट शेयर कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके सुन लीजिएगा। चलिए हमारे डोमेस्टिक वायलेंस को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था, हमारे लंचा और विभूषण की रोमांटिक लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। विभूषण अक्सर लंचा के साथ लोटस स्पायर में टाइम बिताया करता था। यहाँ पर जो उसकी प्यारी सी ईयर है, यानी कि लेनी, उसकी जो बेटी है, वो भी उनके साथ रहा करती थी। वो अक्सर लंचा से ज़्यादा हमारे विभूषण के साथ रहा करती थी। विभूषण उसे अपने कंधे पर बैठ के एक दिन उसे और लवांची को लोटस स्पायर में घुमाने के लिए लेके जाता है। पीछे के बागान में, जो कि बहुत सुंदर था, वहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। और यहाँ पर हमारी ईयर बहुत खुश होती है। शाम का वक्त था और धूप भी ज़्यादा नहीं थी। वो अपने बाबा के कंधों पर बैठी हुई थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो विभूषण की पोनी भी छेड़ रही होती है। विभूषण कहता है, क्या कर रही हो ईयर? यहाँ पर वो कहती है, मैं बाबा के इतने बड़े बाल हैं, मुझे भी अपने बड़े बाल करने हैं। तो यहाँ पर विभूषण कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हारे बाल भी बड़े हो जाएंगे, अभी तुम छोटी हो तो तुम्हारे बाल भी छोटे हैं। यहाँ पर ईयर जो है वो उसकी पोनी छेड़ रही होती है। लवांगची को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो ईयर को मना करता है। तो विभूषण उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, मैं उसका बाबा हूँ, वो छेड़ना चाहे तो छेड़ सकती है। फिर भी हमारे लवांगची को लग रहा था, ईयर ऐसा करेगी तो ऐसा ना हो विभूषण कहीं नाराज़ हो जाए। तो यहाँ पर विभूषण नाराज़ तो नहीं होता, उल्टा वो ईयर को बिल्कुल बड़े प्यार से संभालते हुए, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए ईयर को एक गाना सुनाने लगता है। बहुत ही प्यारा युनमक का एक फोक सॉन्ग, जो कि उसकी मॉम भी पहले गाया करती थी, ये उसके पापा ने उसे सिखाया था। यहाँ पर विभूषण जब वो फोक सॉन्ग गा रहा होता है, लंचा को वो बहुत अच्छा लगता है। लंचा यहाँ पर उसे कहता है, मैं भी तुम्हें एक गूसू का गाना सुनाऊँ? विभूषण कहता है, बिल्कुल, मैंने वैसे तुम्हारी आवाज़ में कभी गाना नहीं सुना। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से घूसू का एक फोक सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। यहाँ पर विभूषण जो है वो लंचा को देख रहा था, जो बहुत प्रेटी लग रहा था। लंचा यहाँ खुल के इंजॉय कर रहा होता है, गाने को गा रहा होता है, बहुत क्यूट सा लग रहा होता है। तभी जो हमारी ईयर होती है, यानी कि लैनी होती है, वो कहती है, बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। विभूषण कहता है, क्या खाओगे? यहाँ पर वो दूर बेलों पे लगे हुए अंगूर देखती है और कहती है, मुझे अंगूर खाने हैं। यहाँ पर विभूषण कहता है, अंगूर खाने हैं? ओफो, इस सीज़न में थोड़ी अंगूर लगे होंगे। यहाँ पर वो मुंह बनाती है और कहती है, फिर क्या खाऊं? तो विभूषण कहता है, अभी थोड़ा गर्मी चल रही है ना, तो लीची खा सकती हो। उधर देखो, लीची के बहुत सारे पेड़ हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए लीची लेके आता हूँ। यहाँ पर विभूषण आगे आगे अपनी बेटी को अपने कंधे पे लिए हुए, और यहाँ पर लवांगजी पीछे पीछे, नहीं नहीं, तुम लोगों को लग जाएगी, मत जाओ। वांगजी बार बार ये कह रहा था, लेकिन वो दोनों बाप बेटी का डू सुनने वाला कहाँ था, वो तो आगे आगे चल रहे थे और लवांगजी पीछे पीछे दौड़ रहा था। यहाँ पर विभूषण जो है वो कहता है, लीची खाओगी? बताओ कौन सी खाओगी? वो चढ़ता है और बहुत सारा बंच में उसे तोड़ देता है, यहाँ तक कि वहाँ डिलीशियस शहतूत भी लगे हुए थे, तो वो शहतूत के लिए भी पेड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ पर ईयर ताली बजाकर बहुत खुश हो रही थी, जब विभूषण उसकी तरफ शहतूत फेंकता था। यहाँ पर वो कैच करने की कोशिश करती थी, बट कैच नहीं हो पाते थे, तो लवांगची यहाँ पर ईयर के लिए कैच कर लेता था। यहाँ पर वो देखकर कि कैसे विंग जान के छेड़ने के लिए लवांगची पे शहतूत फेंक रहा है और वांगची उसे अपने बेबी को खिला रहा है। यहाँ पर बहुत सारे शहतूत जो हैं वो विंग ने अपने अपर रूप के एक गठरी सी बनाकर उस पर इकट्ठे कर लिए थे, और फिर वो यहाँ पर अपनी प्यारी सी ईयर के लिए बहुत सारे शहतूत खाने के लिए लाता है। यहाँ पर उस जूस से उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। लवांगची कहता है, विंग, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? ईयर तो शैतान है, ईयर ऐसे बाबा से कोई भी डिमांड नहीं करते। विंग यहाँ पर लवांगची के फेस को अपने हाथों में लेकर कहता है, इधर देखो लंचा, इधर देखो। लवांगची को लगता है जैसे अभी उसे डांट पड़ने वाली है। विंग यहाँ पर बत्ती सी दिखा के स्माइल करते हुए कहता है, खबरदार, मेरी बेटी जो खाना खाना चाहेगी वो मैं खिलाऊंगा। उसका शहतूत का मन है, मैं शहतूत खिलाऊंगा। हाँ, मैं अंगूर नहीं खिला सकता क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, अगर सीज़न होता तो मैं वो भी खिलाता।
और जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो हम एम्प्रेस स्माइल भी साथ पियेंगे। पांग जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, एम्प्रेस स्माइल बिल्कुल भी नहीं, गुसू में ये चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। वे वुशन स्माइल करते हुए कहता है लंजा हम गुसू में नहीं हैं, हम युनमग में हैं, और वैसे भी मैं कौन से इसे क्लाउड ड्रेसेस ले जाके जो है एम्प्रेस स्माइल पिलाने वाला हूँ, मैं तो इसे सही टाउन में पिलाऊँगा। यहाँ पर लंजा जो है उसके चीक ब्लश करने लगते हैं। यहाँ पर विंग लंजा के कंधे पे सिर रख के कहता है मुझे थकान हो रही है। लंजा कहता है विंग। यहाँ पर लंजा जो था वो आराम से बाहर बैठ के उसकी बेटी के सिर पे बहुत सारे पत्ते गिर गए थे तो वो उन्हें साफ़ करता है और अपनी बेटी की प्यारी सी चोटी बनाने लगता है, ब्रेड बना रहा होता है। तभी विंग जो है वो लवांगजी के कंधे पे सिर रखे होता है। वांगजी का जो हाथ था वो हवा में था जिसकी वजह से वो धीरे से वांगजी के हाथ के नीचे से अपने हाथ को स्लाइड करता हुआ वांगजी के चेस्ट को प्रेस कर देता है। वांगजी के मुंह से मैन निकलता है और वो विंग को आंखें दिखाने लगता है कि विंग नहीं ये गलत है। लेकिन विंग सुनने वाला कहाँ था, विंग वांगजी को टीज कर रहा होता है। वांगजी बेचारा अपनी बेटी के बालों से हाथ भी नहीं हटा सकता था, उसकी बेटी बड़े प्यार से यहाँ शहतूत खा रही थी और विंग वांगजी को टीज कर रहा था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वो जान जान के उसके कान के पास आता, ज़ोर ज़ोर से सांसें छोड़ता और कहता लंजा। लंजा को अब अरोस फील हो रहा था, फिर वो लंजा के चीक्स पे जाता और किस कर देता। वो यहाँ पर कहता है यार बताओ इस दुनिया में सबसे सॉफ्ट चीज़ क्या है। यार यहाँ पर शहतूत को पकड़ के कहती है पापा ये सबसे सॉफ्ट है ना। यहाँ पर ईयर का जो चेहरा था वो आगे की साइड था। यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इस पूरी दुनिया में सबसे सॉफ्ट चीज़ पता है क्या है, तुम्हारी मम्मा के चीक्स। और वो यहाँ पर लंजा के चीक्स को पुल करने लगता है, खींचने लगता है और मस्ती करने लगता है। लंजा कहता है विंग तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम मेरे को बुली नहीं कर सकते। विंग कहता है ऑफकोर्स मैं बुली कर सकता हूँ, आई एम योर हस्बैंड। और यहाँ पर जैसे ही वो इतने प्यार से बोलता है ना कि पीछे एक अनोइंग सी आवाज़ आती है, वे वुशन तुम फिर से आकर यहाँ बैठ गए हो, मैंने तुम्हें कुछ कहा था ना। यहाँ पर वे वुशन कहता है अब क्या कहा था तुमने मुझे। यहाँ पर जंगचा आया हुआ था, वो कहता है मैंने तुम्हें कुछ कहा था, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें युनमक की मार्केट जाना है और वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आनी है, भूल गई ना तुम, भुलक्कड़ कहीं के। वांगजी देखो जब से तुम हमारे सेक्ट में आए हो ना वे वुशन एक नंबर का निकम्मा हो गया है, अपने पति को समझाओ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने और थोड़ा सा काम कर ले, कोई काम नहीं करता ये, कभी भी नहीं करता। वे वुशन यहाँ पर ऐसे ही देख रहा होता है और मुंह बना रहा होता है। वो वांगजी के बिल्कुल पीछे छुप कर यहाँ पर जंगचा को जीप दिखाने लगता है। जंगचा कहता है तुम, वे वुशन कहता है क्या कर लोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वैसे भी लगता है तुम्हारी शादी करानी ही पड़ेगी जंगचा तुम, वरना इस तरह से हमेशा हमारे बीच में आकर हमेशा कबाब में हड्डी बनते रहोगे। अच्छा ही है तुम्हारी जल्द से जल्द बीवी आए और तुम्हें समझाए कि किस तरह से जब एक इंसान की लाइफ में उसका स्पाउस आता है तो वो कितना इन्जॉय करता है, कितना मस्ती करता है और कितना ज़्यादा उसे अच्छा लगता है अपने स्पाउस के साथ टाइम बिताना, ना कि तुम्हारे कोई खटिया से काम करना। सेट का काम तुम किसी से भी करा सकते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पर वो कहता है ओ रियली तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए किसी और को नहीं बोल सकता, इडियट तुमसे बहुत अर्जेंट काम था, ट्रस्ट है तुम पे इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ। और चलो अगर तुम इतना वो कर रहे हो तो नहीं बताता क्या खास है। यहाँ पर विभूषण के अब पेट में गुदगुदी होने लगती है, वो कहता है खास है क्या, खास है मुझे बताओ। यहाँ पर जंगचा कहता है नहीं बताऊँगा। विभूषण कहता है चुपचाप बता रहे हो या नहीं, क्या बात है, क्या बात लेने के लिए तुमने मुझे वहाँ भेजा है। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से जंगचा कहता है मैंने वहाँ पर शिजे के होने वाले बच्चों के लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, मैं चाहता हूँ तुम जाकर उसे रिसीव करो और वहाँ सर तुम जाकर ईयर के लिए भी कुछ कपड़े ला सकते हो, मैंने ईयर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं। वे वुशन खुश हो जाता है और कहता है ईयर के लिए तुमने सच में बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं। वो कहता है और गुसू से भी वहाँ पर चीज़ें आई हैं, गुसू वालों ने कहा है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्पेशली इसके लिए रिबन भी भेजा है ताकि अगर ये पहनना चाहे तो वो भी पहन सकती है। यहाँ पर हेडमास्टर चरण ने यानी कि वांगजी के ब्रदर और इसके सेक्ट के लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें वांगजी के लिए भेजी हैं, तुम जाकर उनके लिए कलेक्ट क्यों नहीं करते।
यहाँ पर विभीषण खुश हो जाता है और कहता है कि उन्होंने लियोकार्ट और एम्प्रेस माइल भी भेजी है। यहाँ पर मुंह बनाते हुए बड़े ही अटपटे अंदाज में जंचा कहता है, अगर भेजी होगी तो हो सकता है कोई और उसे पी ले, तुम्हें तो पता ही है एम्प्रेस स्माइल यहाँ पर कितनी प्रीशियस है और वो तो सही टाउन में ही मिलती है। उफ़ किसी ने पी ली और स्टॉक ख़त्म हो गया तो मुझे मत कहना। यहाँ पर विभीषण कहता है, मैं तो जा रहा हूँ लेने। वांग जी एम्प्रेस स्माइल आ गई है, तुम पियोगे? वांग जी यहाँ पर मना कर देता है, लेकिन विभीषण कहता है, आज तो तुम पी के रहोगे, मेरा बड़ा मन था। तुम्हें पता है जब से मैं तुम्हारे यहाँ पे गया था ना, तब से मेरा हमेशा से मन था तुम्हारे साथ बैठ के एम्प्रेस स्माइल पीने का, पर कभी मौका ही नहीं मिला। आज मैं तुम्हारे साथ एम्प्रेस स्माइल पीऊँगा। जंगछा पीछे से खड़ा कहता है, मुझे मत भूल जाना, मुझे भी एम्प्रेस स्माइल पसंद है और मैं भी पीना चाहता हूँ। यहाँ पर विभीषण कहता है, ओके ओके बच गई तो दे दूँगा, वरना आज मैं वांगजी के साथ पीना चाहता हूँ। यहाँ पर वांगजी के चीक्स रेड हो रहे थे। विभीषण जिस तरह से उसे देखता था, वांगजी ब्लश करने लगता था। विभीषण कहता है, चलो चलो यार वांगजी, अगर तुम यहाँ खेलना चाहते हो तो तुम खेल सकते हो, बाकी मैं जाता हूँ यनमक के लिए, देखता हूँ तुम्हारे घूसू से क्या क्या आया है। बस वो 3,000 बोरिंग रूल की किताबें ना भेज दी हों तुम्हारे अंकल ने। यहाँ पर विभूषण वांगजी के चीक्स पे किस करता है और भाग जाता है। वांगजी बेचारे जंगछा के सामने बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है और जंगछा कहता है, ये पर्वर्ट कभी नहीं सुधरेगा, इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती। वो वांगजी से विदा लेता है और वहाँ से चला जाता है। विभूषण भाग कर जाता है। यहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड था, वांगजी के घर से चीज़ें आ रही थी, उसे यहाँ पर एक्साइटमेंट और किसी चीज़ की नहीं थी, ना ही एम्प्रेस स्माइल की थी, उसके लिए एक्साइटमेंट थी कि वांगजी उन चीज़ों को देखकर कितना खुश होगा। न जाने कितने साल से वांगजी अपने घर नहीं गया। विभूषण बिल्कुल भी मार्केट में अभी वांगजी और ईयर को नहीं लाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई दुश्मन यहाँ पर छुपा हो और उन पर हमला कर दे, और सबसे बड़ी बात, वो वांगजी को अभी दुनिया के सामने इसलिए भी नहीं लाना चाहता था कि कोई ऐसी कोई बात कर दे जिससे वांगजी के पुराने दुख उजागर हो जाएँ, पुराने दुखड़े सामने आ जाएँ और वांगजी फिर से डिप्रेशन में चला जाए। यहाँ पर विभूषण जाता है और सारा सामान कलेक्ट करता है। वांगजी इधर पूरे शाम बैठकर घूम फिर कर वापस से अपने रूम में आ जाता है। विभूषण का रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वांगजी और उसकी बेटी के लिए धनिए और नींबू का सूप आता है, जो कि स्पेशली विभूषण ने भेजा था। वो धनिया और नींबू का सूप जो था वो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खाने पीने और डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा था। विभूषण अक्सर वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसे पता था वांगजी को सूप जैसी चीज़ें, पोरेज जैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, उसे स्पाइसी फूड इतना ज़्यादा भी पसंद नहीं है, और विभूषण उन चीज़ों का ख्याल रखा करता था। यहाँ वो वांगजी को वाइट बोरिंग से कपड़े नहीं पहनने देता था, वो जानबूझ के रेनबो स्टाइल, कलरफुल लेवेंडर कलर, इस तरह के कपड़े वांगजी के लिए लाया करता था, क्योंकि उसे वांगजी को फीका रंग में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वांगजी उसके लिए उसका स्पाउस था जिसे वो कलरफुल ही देखना पसंद करता था। वांगजी ने भी यहाँ पर विंग के लिए सब चीज़ें करना शुरू कर दिया था। वांगजी का जो ओल्ड रिबन था उसे अब वांगजी को अब पूरे के पूरे अच्छे तरीके से एक जगह बांध के रखना था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंकल ने बहुत सारी चीज़ें भेजी होंगी जिनमें से एक उसका नया रिबन होगा। यहाँ पर विंग बहुत लेट नाइट जो है वापस से घर आता है। यहाँ पर लंजा उसका देख रेख कर रहा होता है, वहाँ पर बहुत सारा खाना भी पड़ा हुआ था। जैसे ही विंग आता है, लंजा उसे देख के एक्साइटेड हो जाता है, जो कि बहुत देर से चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी बेटी भी पूछ रही थी, मम्मा को क्या हुआ, मम्मा कुछ क्यों नहीं बोल रही। वांगजी जो अपनी ही दुनिया में गुम था, उसे विंग का इंतज़ार करना, विंग के बारे में सोचना काफ़ी अच्छा लगता था। इस कमरे में उसे अपनापन, विंग की खुशबू हर जगह से आती थी। विंग यहाँ आता है और वांगजी से खाना डाल के परोसने के लिए कहता है। विंग कहता है, बिल्कुल एम्प्रेस स्माइल भी साथ पियेंगे। यहाँ पर वो है, कहता है कि मैं अभी एक एम्प्रेस स्माइल का जार लंजा को भी देके आया, सॉरी जंगछा को भी देके आया हूँ, वैसे भी जंगछा को भी पसंद थी तो मैंने एक जार उसे दे दिया, और कुछ यहाँ मैं अपने लिए ले आया हूँ, इन्हें मैं अपने कमरे में छुपा के रखूँगा वरना जंगछा पी जाएगा सारी की सारी। यहाँ पर लवांगजी उसे आकर बैठकर खाने के लिए आमंत्रण देता है और वो बैठ जाता है। वांगजी यहाँ उसे चीज़ें परोसने लगता है। विभूषण कहता है, तुमने वो सूप पिया, तुम्हारे लिए स्पेशली भिजवाया था, तुम नॉनवेज नहीं खाते ना, मैंने तुम्हारे लिए वेज चीज़ें की अच्छी भली लिस्ट बनवाई है,
जो भी यहाँ पर वेज मिलता होगा वो हर चीज़ तुम्हें खाने को मिलेगी। यहाँ पर वांगची धीरे से नोट कर देता है। यहाँ पर वेवुशन ईयर को देखती है, जो कि खाने को देखकर उसके मुंह में और भी ज़्यादा पानी आ रहा था। वेवुशन ईयर को अपनी गोद में बैठने के लिए कहता है। वो अपने हाथों से उसे खिलाना चाहता था और फिर कहता है, उसके बाद तुम्हारे नानू के यहाँ से आए हुए जितने भी गिफ्ट्स होंगे हम उन्हें देखेंगे। यर बहुत ज़्यादा क्यूट प्यारी सी बच्ची थी, वो ये बात सुन के और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि फाइनली उसके नानू के यहाँ से कोई चीज़ें आने वाली हैं। नानू यानी कि लनचरन के यहाँ से पहली बार उसे ज़िंदगी में ऐसे तोहफे मिलने वाले थे, वो बहुत एक्साइटेड होती है। यहाँ पर वे वोशन जैसे ही खाना वाना खा लेते हैं, बड़े ही प्यार से ईयर को वो खाना खिलाता है। जब भी ईयर पच पच करके मुंह से निकाल दिया करती थी तो बड़े ही प्यार से वे वोशन नैपकिन से उसके मुंह को साफ कर दिया करता था, कपड़े से भी, और कभी कभी वो उसे खुद ही खिलाने लगता था। यहाँ खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग देखने लगते हैं कि घूसू से उनके लिए क्या क्या गिफ्ट आए हैं। जैसे ही एक बड़ी सी गठरी विभूषण खोलता है, वहाँ पर बहुत सारा सामान उनके सामने आ जाता है, जिनमें से एक बड़े कलर के लाल रंग के वेलवेट डब्बे में दो डब्बे थे, जिनमें दोनों में हमारे वांगची और उसकी बेटी लेनियर का रिबन था। वो सेक्रेट रिबन था जो कि उन्होंने स्पेशली लेंसेक्ट के लिए बनाया जाता है, जिसमें जेड भी लगा हुआ था। वांगची का रिबन बहुत ही पुराना अजीब सा फटा फटा सा हो गया था। यहाँ पर वांगची बहुत खुश था और यहाँ पर उन्होंने नन्हे बच्चे के लिए लेंसेक्ट की ही कुछ ड्रेसेस भेजी हुई थी, और वांगची के लिए प्योर वाइट कलर, हल्का सा ब्लू कलर में और हल्का सा ग्रीन कलर में उसकी ड्रेसेस भेजी हुई थी ताकि वांगची उन्हें पहन सके। वांगची को वो देखकर अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो टीनेजर में ऐसे कपड़े पहना करता था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था और बड़े ही प्यार से उन कपड़ों को निहार रहा था। यहाँ पर वांगजी जिस तरह की चीज़ों को यूज़ करता था, जैसे कि उसका सैंडलवुड सोप, उसका सैंडलवुड, जितने भी कैंडल्स हुआ करती थी वो, और उसकी फेवरेट किताबें यहाँ पर शिचन ने भेजी हुई थी और कुछ खत भी भेजे हुए थे, जिन्हें देखकर वांगजी हैरान हो जाता है। यहाँ पर वांगजी का ग्यूचिन भी आया हुआ था जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड था, और यहाँ पर वो बहुत खुश होता है। उसके साइड में बनने वाला जेड और उसके साथ के टसल, जो कि बहुत महंगे और एक्सपेंसिव थे, सिर्फ घूसू क्लैन का ही उस पर सिंबल बना होता था। और तो और घूसू में आने के लिए उसके पास एक टोकन था, जिससे वो घूसू में कभी भी आ जा सकता था और कुछ भी खरीद सकता था। और एक टोकन यहाँ पर उसकी लिटिल बेबी लेनी के लिए भी था, और एक टोकन उन्होंने अपने प्यारे दामाद यानी कि वेवुशन के लिए भी रखा था, क्योंकि वो जानते थे वेवुशन कोई भी हार्म नहीं करेगा, तो उसे भी पहली बार घर जमाई, मतलब घर के जमाई वाली हैसियत दी गई थी। वेवुशन हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है, दवांग जी ये टोकन क्या है? दवांग जी कहता है, ये एंट्री और एग्जिट के लिए लेंसेक्ट में यूज़ किया जाता है। वेवुशन कहता है, यूज़लेस। और दवांग जी कहता है, इसमें कुछ पैसे होते हैं जिनसे हम लेंसेक्ट में कुछ भी खरीद सकते हैं, घूसू में भी। और यहाँ पर वेवुशन जो कि उसे अभी टोस करके फेंकने ही वाला था, वो कहता है, ओह ये तो बहुत ही काम का है, मुझे नहीं पता था इसमें तो इतना सारा पैसा होगा, कि इसमें गोल्ड भी होगा। यहाँ पर लंचा कहता है, जितना भी हमारे हक का पैसा होता है वो इस टोकन में डाल दिया जाता है, हम इससे जो चीज़ चाहें वो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर वेवुशन खुश हो जाता है और कहता है, वाह मैं तो अमीर हो गया, ये हमारे सेक्ट में ये चीज़ें क्यों नहीं यूज़ की जाती? मैं जंगछा से कहूँगा कि कम से कम वो ऐसी चीज़ों को इन्वेंट करे, मैं कम से कम इतनी ज़्यादा शराब भी खरीद सकूँ। यहाँ पर वांगची कहता है, वेवुशन वेवुशन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओ ओ आई मीन मैं तो मजाक कर रहा था लंजा, मैं क्या शराब पीता हूँ? नहीं नहीं बस वो एम्प्रेस स्माइल थोड़ी सी पी है। यहाँ पर लवांगची ने एम्प्रेस स्माइल अभी तक नहीं पी थी। वेवुशन बार बार उसे पीने के लिए बोलता है। यहाँ पर लवांगची धीरे से वाइन पीने ही वाला होता है कि यहाँ पर उसकी बेटी कहती है, मुझे भी पीनी है। बेचारा वांगची, वो अपनी बेटी को मना कैसे करे। तो वेवुशन यहाँ पर ईयर को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, बहुत कड़वी है, क्या करोगी पी के? उसकी बेटी कहती है, नहीं मैंने भी पीनी है। तो कहता है, तुम्हें तांगहुलू खाना है? तांगहुलू मतलब वहाँ के जो फ्रूट्स होते थे उनके ऊपर शहद की और एक क्रिस्पी सी परत चढ़ाकर उसे खाने के लिए एक कैंडी बना दिया जाता है। यहाँ पे वो उसे तांगहुलू दिखाकर कहता है, तुम वो पियोगी या ये खाओगी?
लेनी के मुंह में उस तांग होलू को देखकर इतना ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा होता है ना, वो कहती है मुझे नहीं पीना मम्मा वाला चीज़, मुझे ये खाना है। भीम कहता है सोच लो, मम्मा वाला चीज़ है ये, बहुत टेस्टी है ये। और वह ऐसे कह के बच्चे के मन को बहला लेता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, वो मीठा देखकर बहल जाती है। यहाँ पर लवांग जी जैसे ही दो घूंट पीटता है, अब बेचारे को चक्कर आने लगते हैं और विंग देखता है कि वो अचानक से उसकी बाहों में आ गिरा। यहाँ पर वो वांगजी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उठता ही नहीं, तो विंग उसे गोद में लेके बेड पे ही सुला देता है। यर कहती है मम्मा को क्या हुआ, वो पैनिक होती है। लेकिन विंग कहता है कुछ नहीं, मम्मा लगता है एग्जॉस्ट होकर सो गई हैं, चलो यर तुम भी बेड पे जाओ, तुम भी सो जाओ। यर पहले अपने तांगहोलू को ख़त्म करती है और उसके बाद विंग उसे गोल गोल घुमाता है, उसे कंधे पे रखकर उसे लोरी सुनाता है। और जब वो सो जाती है तो प्यार से उसे उसके पास के पालने में सुला देता है। यहाँ पर विंग देखता है कि थोड़ी देर बाद वांगची उठ के बैठ जाता है और विंग को देखकर कहता है तुम आ गए। विंग कहता है मैं आ गया, मैं गया ही कहाँ था। वांगची उसे देख के कहता है तुम आ गए विंग, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। विंग यहाँ पर वांगची के आगे हाथ जोर जोर से हिलाने लगता है और कहता है वांगची तुम ठीक हो ना। वांगजी कितनी उंगलियाँ हैं, वांगजी उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को काउंट करने लगता है, 1 2 3 4, 4 उंगलियाँ हैं। विंग यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है वांगजी तुम्हें चढ़ गई क्या। और गाइस देखते हैं आगे वांगजी क्या क्या हरकतें करेगा अपने नशे की हालत में, वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा और वो क्या क्या ऐसे उद्धम मचाएगा वो देखते हैं हम अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।